भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने साल की शुरुआत नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज के तौर पर की है। पिछले साल उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए। अब इस साल के पहले ही टेस्ट में उनके पास कई रिकॉर्ड की बराबरी करने और तोड़ने का मौका है। सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट खेलेगा। विराट इस टेस्ट में यदि टीम इंडिया को जीत दिला देते हैं तो वे भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर लेंगे। इसके बाद भारत वर्ल्ड कप तक कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं खेलेगा, लेकिन उसके बाद यदि विराट की कप्तानी में टीम इंडिया एक भी मैच जीतती है तो वे देश के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बन जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाले पहले कप्तान बन सकते हैं कोहली। धोनी ने 60 टेस्ट में भारतीय टीम की अगुवाई की, इसमें से उन्होंने 27 में टीम को जीत दिलाई। वहीं विराट अब तक 45 टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 26 टेस्ट जीते हैं। 3 जनवरी से होने वाले सिडनी टेस्ट को जीते ही वे धोनी के साथ संयुक्त रूप से भारत के सबसे सफल कप्तान बन जाएंगे। विराट कोहली यदि सिडनी टेस्ट जीते हैं या ड्रॉ भी करा लेते हैं तो वे ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन जाएंगे। टीम इंडिया 1947 से ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही है, लेकिन अब तक खेली गई 11 टेस्ट सीरीज में वे एक भी नहीं जीत पाई है।